कोलवासरी, कोलवासरी इसका काम क्या है, मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं, कोयला अब इसका जरूरत क्यों होता है? देखो जब कोयला निकाला जाता है कोयला की खदान से, कोल का माइनिंग किया जाता है, पता ही है कहां कहां होता है, झरिया सारा एरिया पता ही है आप लोग को, ठीक है। अब क्या होता है कि वो कोल में बहुत सारा गंदगी होता है, ठीक है ना, बहुत सारा क्या होता है, अलग अलग सी गंदगी होती है, इसलिए डायरेक्ट उस कोल को किसी भी फर्नेस में या भट्टी में यूज नहीं करते हाइटेक। तो क्या करता है, उसके पहले कोयले का क्या किया, धोवन किया, वासरी किया जाता है, ठीक है ना, पानी से उसका वासरी किया जाता है। और वो तीन चार जगह बोकारो के आसपास थी, सारा मैक्सिमम जो है, ठीक है ना, कहां है, किसके आसपास है, बोकारो के आसपास थी है, ठीक है ना। जैसे सबसे फेमस कौन सा है, करगली और दुग्धा, वेस्ट बोकारो, करणपुरा, इस टाइप का बहुत सारा है, ठीक है ना, मैप पे एक बार हम दिखा देते हैं। तो इसका क्या काम है, कोयला का क्या काम करता है, धोता है, ठीक है ना, इससे मतलब अशुद्धियां, जो भी अशुद्धियां हैं, क्या क्या अशुद्धियां होती है, सेल होता है, जिप्सम, पायराइट, इससे बहुत सारा चीज होता है, इसे वो क्या हटाया जाता है उससे, ठीक है ना। क्या हो गया, हट गया क्या, लिख लीजिए कोलवासरी, कौन कौन सा नाम लिख लीजिए, क्या क्या है, कौन कौन सा, पहला करगली, दुग्धा, पश्चिमी वेस्ट बोकारो, पश्चिमी बोकारो, पाथरडी, जमाडोबा, देखिए कहां पे, कुमार दुबे, ठीक है ना, दिख रहा है कौन सा है, कुमार दुबे है, ठीक है ना, कुमार दुबे नहीं बताना आपको, और मेरा पुराना वाला कहां गया है, अब देखिए इसमें जो करगली से होता है, ठीक है ना, लिखते जाइए, हम लिखते जाइए अब, ठीक है ना, तो हम निकाल लेते हैं, करगली है, ठीक है ना, वो भी कहां है, बोकारो में ही है, ठीक है ना, उससे क्या होता है, कोयला वहां धोया जाता है, उसका कहां जाता है, वो राउरकेला में, तो राउरकेला का जो प्लांट है वहां पे जाता है, या भद्रावती का प्लांट है वहां पे जाता है, इस्पात का, क्या चीज का इंडस्ट्री, इस्पात इंडस्ट्री है वो सब, ठीक है ना, राउरकेला भद्रावती, भद्रावती नहीं पढ़े हो, साउथ इंडिया में, देखो करगली कहां पे है, दिख रहा है, देखो ये फुसरो है ना, देखो क्या है, करगली है, कौन सी नदी के किनारे है, दामोदर नदी के किनारे, ठीक है ना, आसानी से क्या इसको पानी उनी सारा कुछ मिल जाता होगा, पास में क्या है, फुसरो है, देखो यहां दुग्धा है, चंद्रपुरा के पास, किसका घर है क्या, दुग्धा किसका, देखो दुग्धा, ठीक है ना, इसी के आसपास सारा कुछ है, ठीक है ना, इसी के आसपास सारा कुछ है, ये कौन सी नदी है, दामोदर नदी। तो अप्रोक्स दिमाग में हम इससे बता दिए कि दिमाग में मैप मेरे की करगली कहां है, दुग्धा कहां पे है, और इसी के वेस्ट बोकारो भी यहीं पे है पास में, ठीक है, तो ये छोटा वाला है। नेक्स्ट लिख लीजिए, इंडियन एक्सप्लोसिव प्राइवेट लिमिटेड,
इंडियन एक्सप्लोसिव प्राइवेट लिमिटेड, एक्सप्लोसिव। अब कहां पे इंडियन एक्सप्लोसिव प्राइवेट लिमिटेड है? गोमिया कौन सा जिला में है? कब स्थापना हुआ था इसका? अब इसका काम क्या है? ये काम क्या करता है? विस्फोटक बनाता है। क्या काम करता है ये? विस्फोटक बनाता है। अब क्यों गोमिया को, मान लो गोमिया यहां पे होगा, ठीक है ना, इस जगह पे सही, ठीक है ना, ये बोकारो होगा तो इस साइड होगा थोड़ा सा, ठीक है ना। अब विस्फोटक बनाता है, यहां पे होगा विस्फोटक बनाता है, यहीं पे क्यों बनाया होगा? होगा ना, यहीं पे क्यों आके खोला गया कंपनी? कौन सा रॉ मटेरियल? देखो यहां पे क्या है, एक तो इसको आसानी से पानी मिल जाता है, कौन सी नदी से? यहां पे कोनार नदी इसके पास से गुजरती है, ठीक है ना, मैप में हम दिखा रहे हैं, ठीक है ना, कोनार नदी दामोदर नीचे से जाती है और कोनार इसके ऊपर से जाती है, ठीक है ना, मैप में दिखाएंगे, ठीक है ना, दामोदर क्या इसके नीचे से जाती है, कोनार उसके पास से जाती है थोड़ा, ठीक है, तो कौन सा कोनार, ठीक है। सेकेंड, इसका विस्फोटक ये बना लिया, पानी मिल गया इसको, सारा रॉ मटेरियल मिलकर विस्फोटक बना दिया। अब विस्फोटक का यूज सबसे ज्यादा कहां होता है? डिफेंस में दिन भर गोली चलता है, बारूद फूटता है, झारखंड पुलिस का दिन भर गोली बारूद करते रहती है। सबसे ज्यादा इनका जो यूज होता है वो माइनिंग सेक्टर में भी हो रहा है यहां पे आसपास। और कौन सा माइन है पास में? कोयला। वो जब खुला होगा तो सबसे बड़ा माइंस कौन सा था? झरिया का था। यहां से कितना दूर है झरिया का? लगभग 50 किलोमीटर होगा, अप्रॉक्स 50 से 100 किलोमीटर इसी के बीच में होगा। तो इसका सबसे बड़ा मार्केट मिल जा रहा है उसको पास में, पानी उनी सारा कुछ मिल जा रहा है, मार्केट मिल जा रहा है पास में। किसी भी इंडस्ट्री के लगने के क्या चाहिए? उसका उत्पादन करने का क्षमता चाहिए और उसका मार्केटिंग कहां आसपास हो। तो मार्केट क्या है? कोल इंडस्ट्री सामने है, पास में ही कौन सा इंडस्ट्री यहां पे है? आयरन का माइनिंग है, यहां भी ब्लास्टिंग होता है ना, तो क्या यहां खोला था यहां भी इसका ब्लास्टिंग हो गया? थर्ड क्या, छोटा छोटा इधर जैसे हजारीबाग साइड किस किस क्या छोटा छोटा इचाक में क्या देखते हो? पत्थर का माइनिंग, स्टोन माइनिंग होता है ना, स्टोन माइनिंग होता है। तो स्टोन माइनिंग को ब्लास्टिंग के लिए क्या यूज किया जाता है? एक्सप्लोसिव का यूज होता है। और एक्सप्लोसिव कहां से आता है? यही से आता है, गोमिया से, ठीक है ना। तो क्या हुआ समझ में आया इतना कि अगर इस इंडस्ट्री कहां लगा है? गोमिया में लगा है। तो क्यों लगा यहां? पहला क्वेश्चन आता है क्यों लगा एग्जाम में, मान लो यही क्वेश्चन आ गया मेंस में, ठीक है ना, मेंस में आ सकता है ना क्वेश्चन, पीटी में तो पता है सबको, चार पांच लाइन रट लोगे हो जाएगा, मेंस में आ जाएगा क्वेश्चन, ठीक है ना। तो कैसे करोगे, क्या क्यों लगा? तो यहां पे क्या था? वाटर था, ठीक है, इजी क्या था? मार्केट था। मार्केट कौन सा मार्केट था? कोल माइनिंग, आयरन माइनिंग, स्टोन माइनिंग नीचे, और यहां पे भी बहुत सारा छोटा छोटा मैग्नीज है, ठीक है ना, चूना पत्थर, मतलब डिफरेंट टाइप का झारखंड में सारा माइनिंग है ना। तो इसको आसानी से मार्केट कहां मिल जा रहा था? यहां भी आसपास मिल जा रहा था, यहां भी पास मिल जा रहा था, यहां भी पास मिल जा रहा था। तो इसको क्या बेचने में क्या हो रही थी? आसानी हो रही थी। थर्ड, गोमिया क्या है? रेलवे लाइन से आसानी से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, ये भी क्या है? रेलवे लाइन से आसानी से जुड़ा हुआ है। तो अगर यहां कोई प्रोडक्ट को बना रहा है तो इसको क्या होगा? आसानी से क्या कहीं भी ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है ना, कहीं भी क्या किया जा सकता है? ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। तो आसानी से क्या होगा? गोमिया ट्रांसपोर्ट कर सकता है। इतना लिख लो, पहले मैप बना लो।